एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे इंटरनेशनल एफ़र्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं वो उठाए गए हैं तो इन सभी एफर्ट्स के बारे में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हम पढ़ेंगे यानी कि ईयर वाइज जो है हम डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवंबर 1988 की जब आईपीसीसी यानी कि गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को एस्टेब्लिश किया गया तो ये जो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज था इसे एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में और इसका काम क्या था कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो भी इंटरनेशनल uh, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन सभी तक जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड साइंटिफिक असेसमेंट डाटा है वो पहुंचाना और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की करंट स्टेट है उसके बारे में जो नॉलेज है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तक पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना और इनिशियली जो आईपीसीसी था उसका टास्क था एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू और रिकमेंडेशंस जो है वो बनाना और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना और साथ ही साथ आईपीसीसी का जो काम है वो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाना जो भी क्लाइमेट चेंज का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचानी और क्या क्या पोटेंशियल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए उन सभी के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन देने का काम है वो भी आई का है और ये जो आई की रिपोर्ट्स आती हैं टाइम टू टाइम ईयरली बेसिस पे ये जो रिपोर्ट्स हैं ये ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज़ को बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आईपीसीसी के बनना जो था क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का एक पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था अब नेक्स्ट आता है जून 1992 का रियो अर्थ समिट ये जो रियो अर्थ समिट था ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है वहां पर हुआ और ये अपने आप में एक पहला ऐसा इंसेंस था जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ में आई डिफरेंट नेशंस जो थे वो एक साथ आए और उन्होंने डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात भी की, और ये जो अर्थ समिट था इसने जो है इन्वायरमेंट को इम्पॉर्टेंस देने की बात जो है सबसे पहली बार की और साथ ही गवर्नमेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है अर्थ समिट होने के बाद जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे उनमें जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे और इम्पॉर्टेंट जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज़ भी फ्रेम करेंगे और इसी के साथ ये जो अर्थ समिट था इसने डिफरेंट स्टेप्स को आउटलाइन किया डिफरेंट स्टेप्स बताए जिनके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर और साथ ही साथ ये एक बहुत ही मोमेंटस समिट था बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट था क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग नेशंस की गवर्नमेंट तो थी ही साथ ही साथ उन नेशंस के जो इंपॉर्टेंट एनजीओस हैं उन्होंने भी अपना जो पार्ट प्ले किया और जो कंसल्टेटिव और ड्राफ्टिंग प्रोसेस था अर्थ समिट का उसमें अपना इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन जो है शो किया और बात करें तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें लगभग 166 कंट्रीज थे जिन्होंने यू यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को ज्वाइन किया और Uh, 2022 की बात करें तो अभी तक लगभग 198 मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन uh, को जो है रेटिफाई कर दिया है और उस इस अर्थ समिट के बाद रेगुलरली जो है ये जो मेंबर नेशंस हैं अर्थ समिट के वो uh, जो है रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है और ये जो अर्थ समिट था इसमें कुछ तीन डिफरेंट तीन तीन इंपॉर्टेंट की डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए जिनका नाम था रियो डिक्लेरेशन सेकंड नंबर पे आया एजेंडा 21 और उसके बाद आया फॉरेस्ट प्रिंसिपल इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो है करके समझेंगे सबसे पहले आते हैं रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जिसे सिंपली रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं तो ये एक अर्थ समिट का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसमें लगभग 27 डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई और क्या ह्यूमैनिटी की जो क्या इंसानों की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और हमारी क्या कमिटमेंट होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये सब चीज़ें जो है रियो डिक्लेरेशन में समझी गई जो है आ, की गई तो ऑल दो ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था उसके बाद सेकेंड आता था एजेंडा ट्वेंटी वन ये एक कंप्रीहेंसिव एक कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान था यानी यह एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका एम जिसका इंपॉर्टेंट एम था हमारे ग्लोबल नेशनल और लोकल लेवल पे जो भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करना जो था एजेंडा 21 में था उसके बाद नेक्स्ट आता है द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स ये भी जो है अर्थ समिट में निकल कर आए और ये भी जो है नॉन लीगली बाइंडिंग है और इनका जो एक जो एक फॉर्मल इनको सिंपली रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है और इनका जो फॉर्मली नाम है वो है नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर ग्लोबल कंसेंसस ऑन मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यानी इंपॉर्टेंट एक एक सिंपली हम बात करें तो ये जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे हर तरह के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए जो कि बनाए गए और ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है और इस ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत सारी रिकमेंडेशन देता है जिनके थ्रू फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है और उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सकती है अब थर्ड नंबर पे आता है दिसंबर 1997 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो कि जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन सब ने इसको साइन किया और ये जो था पहला एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि जिसके अंदर लीग मेंबर नेशंस के ऊपर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाई जा सकती थी और इसके थ्रू जो है ग्रीन हाउस गैस अमीशन्स को कम किया जा सकता है रिड्यूस किया जा सकता है और ग्रीन हाउस गैस अमीशन्स के ऊपर लिमिट्स लगाए सकते हैं लगाए जा सकते हैं यानी एक पहला लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो कि क्योटो प्रोटोकॉल था वो आया दिसंबर 1997 के थ्रू जिसके थ्रू जो था क्लाइमेट चेंज को कम करने की कोशिश की गई उसके बाद हम बात करें तो ये जो था 1997 दिसंबर 11, 1997 में ये एग्रीमेंट जो था अडॉप्ट किया गया और उसके साथ साथ जो थी और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अर्थ समिट के बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी तो ये थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी जो कि क्योटो जापान में हुई और लेकिन ऑल दो ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो थी आ, इस हुई बट बनी लेकिन इसको जो इफेक्ट में आने में यानी इसको लागू करने में जो है काफ़ी समय लग गया और ये जो थी इफेक्ट में आई फेबररी 2005 में और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अंडर द यूनाइट नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि जापान में अडॉप्ट की गई थी और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बाइंडिंग अमिशन रिडक्शन टारगेट्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर जो है डेवलप कंट्रीज़ को जो है आ, देता है साथ ही साथ आ, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को भी इस्टेब्लिश करता है यानी किस तरह से हम जो किस तरह से डिफरेंट नेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं अमीशंस को ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करता है लेकिन हाउ यूनाइटेड स्टेट्स जो था उसने इसे रेटिफाई नहीं किया उसने इसे साइन नहीं किया और इस क्योटो प्रोटोकॉल का जो गोल था वो था ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं हमारी सिक्स डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके अमीशन को नाइनटीन के अमीशन के लेवल से 5.2 परसेंट जो है कम करना और इसका जो टारगेट पीरियड था वो था 2008 से 2012 तक यानी ये चलना था 2008 से 2012 तक जो था क्योटो प्रोटोकॉल चलना था और इसमें बहुत सारी क्योटो प्रोटोकॉल में चीज़ें डिस्कस की गई जैसे अमीशन रिडक्शन कमिटमेंट्स की बात की गई उसके बाद जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की बात की यानी मिलजुल कर जो है किसी भी प्लान को पॉलिसी को लाने की बात की जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म जो है डेवलप करने की बात की गई कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई तो ये सब चीज़ें जो थी क्योटो प्रोटोकॉल में डिस्कस की गई अब नेक्स्ट आता है 2001 में माराकेश अकॉर्ड्स ये कुछ भी नहीं है बस इसका नाम आपने याद रखना कि माराकेश अकॉर्ड्स जो थे 2001 में आए थे ये है माराकेश एक एरिया जगह है मोरक्को में जिसके नाम पे जो है जहां पर मार्केश में मीटिंग हुई तो इसलिए इसे मार्केट मार्केश अकॉर्ड्स किया जाता है कहा जाता है और ये कुछ नहीं था सिंपली जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो रूल्स थे रेगुलेशंस थे जो भी डिक्लेरेशन थी वो सब इसके अंडर एक रूल बुक क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक रूल बुक बनाई गई और फाइनलाइज की गई मार्केश अकॉर्ड्स के दौरान जिनके जिन जिस रूल बुक में अलग अलग गाइडलाइंस लिखी गई थी जिनके थ्रू अमीशंस को ट्रेड किया जा सकता था और डिफ जो अमीशंस हैं उनकी डिफ किस तरह से उनको अकाउंटिंग करनी है अमीशंस को किस कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं अमीशंस को अकाउंट उनकी अकाउंटिंग uh, करने के लिए वो सब जो था इस मार्किश अकॉर्ड्स के थ्रू जो रूल बुक बनी क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड उस रूल बुक में मैंशन था अब नेक्स्ट आता है टू का यानी कि मैंने पहले ही बता दिया कि 2005 में जो था आ, क्योटो प्रोटोकॉल जो था आ, के, आ, जो लागू किया गया फोर्स में आया लीगली बाइंडिंग हुआ बना तो क्योंकि 2005 में जो था जितनी भी रिक्वायर्ड कंट्रीज़ थी जो इसको रेटिफाई करने के लिए इसको जो है फ़ोर्स में लाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया तो इसलिए दो के बाद ही ये जो था फ़ोर्स में लाया जा सका तो ये जो है पहली ग्लोबल कमिटमेंट को दर्शाता है जिसके थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज अमीशन की रिडक्शन की बात की गई उसके बाद नेक्स्ट आता है 2007 का बाली एक्शन प्लान तो मैंने आपको कहा था कि 2008 से लेके 2012 तक जो था क्योटो प्रोटोकॉल था सिंपल सी बात थी अब 2012 के बाद क्या करना है तो इसी के लिए उसी चीज को डिस्कस करने के लिए बाली एक्शन प्लान लाया गया और ये बाली एक्शन प्लान जो था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो बाली इंडोनेशिया में हुई 2007 में उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई उसमें उन चीज़ों को आउटलाइन किया गया कि पोस्ट 2012 यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के ख़त्म होने के बाद 2012 के बाद हमें क्या करना है किस तरह से जो है हमें अपने अमिशंस को रिड्यूस करना है किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है उन सब चीज़ों को जो है बाली एक्शन प्लान में डिस्कस किया गया यानी कि 2012 क्योटो प्रोटोकॉल के एंड होने की डेट के बाद क्या करेंगे वो सब इसमें डिस्कस किया गया और इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि हमें क्या क्या जो है कंट्रीज़ को कौन किस कंट्री को क्या से क्या एक्सपेक्टेड है जिससे क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके वो सब चीज़ें भी जो है बाली एक्शन प्लान में डिस्कस की गई तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके ऊपर तो सभी कह रहे थे कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एमिशंस कर रही हैं वही मेन जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही हैं लेकिन इसमें जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी ये बात की कि 2012 के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि डेवलप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूएस वगैरह इन्होंने क्या कहा कि 2012 तक तो हमने माना कि भाई Uh, हमें कंट्रोल करना है बट उन्होंने कहा कि इसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना है जो कि दिन ब दिन ग्रो करती जा रही हैं इकोनॉमिकली, तो इनको भी जो है मिशन कम करने की ज़रूरत है यानी कि इन्होंने जो अब कहा जो डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने ये भी कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनका भी जो है इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबल वार्मिंग में और उन्हें भी अपना मिशन कट करने की ज़रूरत है और इस बाली एक्शन प्लान में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की गई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की गई यानी कि एमिशन रिडक्शंस के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की गई और अगर कोई एक कंट्री इसको डेवलप कर लेता है तो वो दूसरी कंट्री जो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई है उसको भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे इन चीज़ों की बात भी की गई अडाप्टेशन फंड को की बात की गई कि फंड इकट्ठे किए जाएंगे और ईयरली एक फंड्स को जो है स्पेंड किया जाएगा टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग या अमिशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है फंड का यूटिलाइज़ किया जाएगा उसके बाद एमिशन रिडक्शन की बात की जाएगी जो डीफॉरेस्टेशन के थ्रू एमिशन रिडक्शन हो रही है उसे भी कम किया जाएगा एडहॉक वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करेंगे उसके बाद कॉपरेटिव एक्शन की भी बाली एक्शन प्लान में बात की गई यानी कि कंट्रीज़ मिलकर जो है इस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे उस चीज़ की भी बात की गई अब 2007 के बाद आता है 2009 का कोपेनहेगन अकॉर्ड ठीक है अकॉर्ड जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि कॉपन हैगन डेनमार्क में हुई और यह एक नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था यानी यह भी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था और इसने क्या बात की इसने कहा कि भाई ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे पर ईयर हंड्रेड बिलियन डॉलर जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस का इकट्ठा करेंगे और 2020 तक जो है हम उसको हर हर साल जो है स्पेंड uh, किया करेंगे जिससे क्लाइमेट जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन्स को कम किया जा सके और ये जो कॉपन हैगन अकॉर्ड था ये जो डॉक्यूमेंट था ये यूनाइटेड नेशंस और बेसिक कंट्रीज़ यानी कि ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर जो था इसको ड्राफ्ट किया था और लगभग 120 कंट्रीज़ ने 2009 की इस क्लाइमेट यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इसे एक्सेप्ट भी किया और ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था और ये कंट्रीज़ को कमिट नहीं करता है बाइंड नहीं करता है कि भाई आप लोग आ, किसी आ, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करो ठीक है ये और ये नए जो गोल्स हैं उन्हें सेट करता है जिनके थ्रू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ ये डिफरेंट मकैनिज़म्स को इस्टेब्लिश करता है डिफरेंट फंड्स की बात करता है ये कॉपन हैगन अकॉर्ड जिनके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं अपने अमीशन्स को रिड्यूस कर सकती हैं अब नेक्स्ट आता है 2010 का कैनकन एग्रीमेंट्स तो कैनकन एग्रीमेंट्स जो थे वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी मैंने समिट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात की थी तो जब सिक्सटीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई टू में तो उस समय उसे कहा जाता है कैनकन एग्रीमेंट्स ठीक है तो कैनकन एग्रीमेंट जो थी ये हुई कैनकन मैक्सिको में 2010 में और कैनकन कैनकन जो एग्रीमेंट्स हैं ये इसमें जो है सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ द्वारा जिसके थ्रू जो क्लाइमेट चेंज का जो लॉन्ग टर्म चैलेंज है उसे सॉल्व करने की बात की गई और इसमें यह भी बात की गई कि डिफरेंट कंक्रीट यानी एक बड़े ही सख्त एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे जिसके थ्रू तेज़ी से जो है जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है या तेज़ी से जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात की गई और इसमें जो है इम्पोर्टेंट मेजर्स की बात की गई जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है जैसे कि फाइनेंस की बात की गई कि डिफरेंट जो काम जिसके थ्रू डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है उनको फाइनेंस करने की, गई, की बात की गई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात की गई तो 2010 के बाद आता है पेरिस एग्रीमेंट ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई पेरिस में फ्रांस में हुई 2015 में उस उसमें निकल कर आता है तो ये एक लीगली बाइंडिंग अब पहले हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की तो अब दूसरे नंबर पे आता है पेरिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कि लगभग 196 कंट्रीज़ द्वारा अडॉप्ट की गई और ये जो है पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ जो कॉन्फ ट्वेंटी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 2015 में उसे ही जो है पेरिस उसमें जो भी एग्रीमेंट्स निकल कर आए उसे पेरिस एग्री उन्हें जो है पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है और इसमें लगभग 196 कंट्रीज एक साथ हुई आई और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को जो है दो डिग्री सेल्सियस से कम रख नीचे नीचे रखने की कमिटमेंट की और उन्होंने यह भी कहा कि हम सब मिलकर ऐसे एफर्ट्स करेंगे जिनके थ्रू जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ करता था उससे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे उसके बाद ये जो एग्रीमेंट था इसने एक ऐसा फ्रेमवर्क भी एस्टैब्लिश किया जिसके थ्रू कहा गया कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये रेगुलरली क्या करेंगी जो भी अपने अमिशन रिडक्शन टारगेट्स जो उन्होंने रखे हैं उन्हें रेगुलरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रिपोर्ट करेंगी और रिव्यू करेंगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है 2016. तो 2016 में कुछ नहीं है 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट्स हुआ और ये फोर्स में कब हुआ ये लागू कब हुआ 2016 में और ये पेरिस एग्रीमेंट ही इकलौता ऐसा एग्रीमेंट है जो सबसे तेज़ी से जो है फोर्स में लाया गया लागू किया गया और उसके बाद इसमें जो है सफिशिएंट कंट्रीज भी जो थी इसे जिन्होंने इसे रेटिफाई किया और इससे पता चलता है कि अब ग्लोबल global, जो ग्लोबली जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि अब जो है एक अर्जेंट नीड है क्लाइमेट एक्शन की यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बहुत ही जरूरी बहुत ही अर्जेंट नीड है अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 2018 का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट जो था ये सितंबर 12 से 14 2018 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ और इंपॉर्टेंटली बात करें तो इस समिट का आउटकम क्या था इस समिट के थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट्स को एनकरेज किया गया ताकि वो पेरिस एग्रीमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें वो इंप्लीमेंट करें और फॉलो करें ठीक है और साथ ही साथ इसने उन कंट्रीज़ को सभी मेंबर कंट्रीज़ को गाइड किया कि वो अपने देश में एक नेशनल अपने अपने देश में नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान्स जो हैं वो भी डेवलप करें और इस एग्रीमेंट ने उन्हें बोल्ड ऑप्शंस और एग्जांपल्स प्रोवाइड किए जिनको वो यूज कर सकती थी अपनी क्लाइमेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्ट्रेटजीज को बनाने में फिर उसके बाद आता है 2019 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट ये जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट था ये न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और इसका मेन एम क्या था कि जो भी इंटरनेशनल जो भी ग्लोबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके उनको एक्सेलरेट किया जाए उनको और तेज़ किया जाए बाय अर्जिंग द कंट्रीज ने ताकि बाय अर्जिंग द कंट्रीज टू तो इनहस दियर एमिशन रिडक्शन टारगेट्स यानी कि इस इस जो क्लाइमेट एक्शन समिट ने डिफरेंट कंट्रीज़ को एनकरेज किया कि वो अपने अमीशियन रिडक्शन टारगेट्स को और ज़्यादा बढ़ाएं और जो क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाएं। तो अब इसके बाद आता है 2021 का ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहा जाता है ग्लासगो समिट तो ये जो है ग्लासगो समिट ये हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसलिए इसी ग्लासगो के नाम पे ही इस समिट का नाम पड़ गया और इसका मेन फोकस ये था कि जो पेरिस एग्रीमेंट की गाइडलाइंस थी उन्हें कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सके और ताकि जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें एनकरेज किया जा सके कि वो अपने जो नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स हैं यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के जो टारगेट्स हैं उन्हें जो है और ज़्यादा बढ़ा सकें उसके बाद ग्लोबल एफर्ट्स और ये जो ग्लोबल एफ़र्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के लिए ये चलते ही जा रहे हैं अभी ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस यानी कि ये अब ये ख़त्म रुकने वाली चीज़ नहीं है ये टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारी चेंजेस आने हैं और इसमें जो ऑन गोइंग कॉन्फ्रेंसिस वगैरह होती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उन सब में कोल को फेज़ आउट करने की बात की गई यानी कोल को का यूज़ कम्प्लीटली स्टॉप करने की बात की जाती है किस तरह से की जाएगी उन सब को चीज़ों को डिस्कस किया जाता है इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जाती है उसके बाद कार्बन टैक्सीज की बात की जाती है कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स की बात की जाती है और साथ ही साथ जो कार्बन अमीशन्स हैं उनके ऊपर एक प्राइस उनका एक प्राइस रखने की बात की जाती है अगर कोई कंट्री अमीशन रिडक्शन करता है तो उसे किस तरह से इंसेंटिवाइज़ किया जा सकता है कोई कंट्री या कोई इंडस्ट्री अगर कोई एमिशन को रिडक्शन करती है अमिशन का तो उनको किस तरह से इंसेंटिवाइज़ किया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होती हैं कोलाबरेटिव इनिशटिवस की बात की जाती है यानी किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ कोलाबरेट करके ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ऐसे अल्टरनेटिवस डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है किस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड की जा सकती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस और एक्टिविज्म को बढ़ाया जा सकता है इन सब चीज़ों को जो है रेगुलरली जो है डिस्कस किया जाता है तो ये तो था डिफरेंट एफर्ट्स ग्लोबल एफर्ट्स के बारे में जिनके थ्रू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश की जा रही है होप आपको वीडियो समझ आया हो तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें